दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का गजब समाचार में। दोस्तों अगर आप बिग बॉस ओटीटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि उसमें आपको कौन कौन नजर आ सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अंत तक जरूर देखें ताकि मैं आपको डिटेल से यहां बिग बॉस और बिग बॉस ओटीटी के बारे में बता सकूं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 अगस्त से बिग बॉस ओटीटी शुरू होने वाला है, लेकिन सभी के दिमाग में ये सवाल है कि आखिर इस बिग बॉस ओटीटी में हमको कौन कौन नजर आने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ कई सारे जो नाम हैं उनकी चर्चा हो रही है, जिसमें कि अर्जुन बिजलानी, रिद्धमा पंडित, आदित्य नारायण, निया शर्मा, दिव्या अग्रवाल, विजय अनुष्का, अमित टंडन जैसे नाम शामिल हैं। अब सवाल उठता है क्या ये बिग बॉस ओटीटी में नजर आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मेकर्स ने ये फैसला किया है कि ये सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, जी हाँ, ये जो कंटेस्टेंट हैं वो सेलिब्रिटी कहलाते हैं और सेलिब्रिटी जो है सिर्फ और सिर्फ आपको बिग बॉस में नजर आएंगे जब बिग बॉस कलर्स टीवी पर आएगा, जब सलमान खान से होस्ट करते हुए नजर आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग जो है बिग बॉस ओटीटी में नहीं आ रहे हैं, तो बिग बॉस ओटीटी में आने कौन वाला है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मेकर्स ने चुना है कि यहां जो भी यंगस्टर्स फेमस चेहरे हैं, यानी कि जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, वो जो है आपको बिग बॉस ओटीटी में नजर आएंगे। और आपने अगर गौर किया हो तो आपको पता चला होगा कि जैसे ही बिग बॉस 14 खत्म हुआ था, उसके बाद बिग बॉस 15 के ऑडिशंस यहां वूट पर हुए थे, उनमें से कुछ कंटेस्टेंट को सेलेक्ट किया गया है। जी हाँ, तो बिग बॉस में यहां आपको नजर आएंगे, जी हाँ, बिग बॉस ओटीटी में आपको नजर आएंगे कुछ कॉमनर्स और कुछ वायरल चेहरे जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, और वो यंगस्टर, जी हाँ, आपको बता दूं कि यंगस्टर वायरल चेहरे आपको ओटीटी में नजर आएंगे। और जब ओटीटी खत्म होगा तो इनमें से कुछ जो चेहरे हैं, हो सकता है टॉप 5 हो सकता है टॉप 3 चेहरे हो, उन्हें यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उन्हें भेजा जाएगा बिग बॉस में। जी हाँ, तो जब बिग बॉस शुरू होगा तो यहाँ ओटीटी के फाइनलिस्ट और सेलिब्रिटीज आपको नजर आएंगे बिग बॉस में। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है बिग बॉस का ये नया कॉन्सेप्ट, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।